प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अलीगढ़ का दौरा। योगी आदित्यनाथ लेंगे तैयारियों का जायजा। पीएम रखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला। देश में लगातार पांचवें दिन कोरोना के मामलों में आई गिरावट। 24 घंटे में आए 25,404 नए संक्रमित। केरल में आए 15,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। चमोली में हो रही चारधाम यात्रा सुचारू करने की मांग। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की बद्रीनाथ धाम पर कूच। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका। हल्द्वानी में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की हड़ताल खत्म। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की बैठक में लिया गया फैसला। कारोबारियों की समस्याओं का समाधान निकालें अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। चारधाम की यात्रा को सुचारू करने की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ धाम पर कूच किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पानुकेश्वर में बैरिकेटिंग कर रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेट लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। कार्यकर्ताओं ने पानुकेश्वर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और इस दौरान धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चारधाम की यात्रा को सुचारू करने की मांग को लेकर कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेटिंग कर रोक दिया, जिसके बाद तीखी नोकझोंक इनके बीच देखने के लिए मिली है। तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच ये तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिली है। कार्यकर्ता लगातार हंगामा करते हुए नजर आए। दरअसल चारधाम की यात्रा को सुचारू करने की मांग को लेकर ये पहुंचे थे और लगातार ये कह रहे थे कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनका ये प्रदर्शन यहीं जारी रहेगा। हल्द्वानी में देवभूमि ट्रक ऑनर्स यूनियन के बैनर तले ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की दो दिन से चली आ रही हड़ताल खत्म हो गई। डीआईजी कुमाऊं की अध्यक्षता में पुलिस सिटी पेट्रोलिंग यूनिट और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की बैठक में फैसला हुआ कि पुलिस के आलाधिकारी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की समस्याओं का समाधान निकालना शुरू करेंगे। ट्रांसपोर्ट कारोबारी पुलिस और सीपीओ पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर तीन दिन की हड़ताल पर चले गए थे। बैठक के दौरान डीआईजी कुमाऊं ने सीपीओ को केवल शहर में काम करने के निर्देश जारी किए हैं। हल्द्वानी का एक पूरा मामला जहां पर डीआईजी ने कारोबारियों को आश्वासन दिया है ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल समाप्त हो गई है। कई दिनों से लगातार इनका जो हड़ताल है वो चल रही थी, इनका प्रदर्शन लगातार चल रहा था। उनका कहना था कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो ये हड़ताल और ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है। लेकिन यहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे हैं और किसी तरह से ट्रांसपोर्टर्स को समझाया है। दरअसल हल्द्वानी में देवभूमि ट्रक ऑनर्स यूनियन के बैनर तले ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की दो दिन से चली आ रही हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है। डीआईजी कुमाऊं की अध्यक्षता में पुलिस और सिटी पेट्रोलिंग यूनिट ट्रांसपोर्ट कारोबारी की बैठक हुई और इस बैठक में फैसला लिया गया कि पुलिस के आला अधिकारी ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की समस्याओं का समाधान निकालना जल्द ही शुरू करेंगे और पुलिस और सीपीओ पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर तीन दिन की हड़ताल पर ये ट्रांसपोर्टर्स चले गए थे। बैठक के दौरान डीआईजी कुमाऊं ने सीपीओ को केवल शहर में काम करने के निर्देश जारी किए थे। इस सीपीओ को जो है अभी मैंने पूरा बुलाया हुआ है, इनके इसमें मैं कुछ थोड़ा चेंजेस अभी लाने की कोशिश करता हूँ। इनका जो ढांचा है, इनमें कितने दरोगा है, कितने इनके इंस्पेक्टर है, क्या है, मैं थोड़ा अभी इसमें समीक्षा करके इनको जो है थोड़ा इसमें हम परिवर्तन लाएंगे और इनको ये तो हिदायत दे दी गई है कि आप जो है वो अपना केंद्र बिंदु जो है शहर में रखें। केवल जब कोई ऐसी घटना होती है ना, जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तभी आप मूव करें, कोई दुर्घटना या अन्य। हाँ बिल्कुल, हड़ताल में अभी बहुत हमारी सकारात्मक वार्ता हो गई है और नेगी जी रौतेला जी हमारे साथ ही है, वो उन्होंने कहा कि हम आपने आश्वासन दिया है, हम संतुष्ट है और अभी जो है एक नॉर्मल सुचारू चालू कर रहे हैं। सीपीओ और पुलिस हमारे चालान कर रही थी, एक दिन में चार चार चालान हो चुके थे, तो उससे कि अब डीआईजी महोदय से हमारा अभी आश्वासन दिया है कि जो सीपीओ है वो सिटी के अंदर ही रहेगी और बाहर जो आउटडोर चालान करती थी वो नहीं करेगी और नहीं जाएगी। और जो पुलिस हमारी गाड़ी अगर 10 दिन के रूट में है, अगर कोई गलती पाई गई तो एक ही चालान होगा 10 दिन के अंदर। अगर वो 2 दिन का रूट है तो 2 दिन है और उसमें नरमी बरती जाएगी चालानों में। हड़ताल को लेकर ये हम लोगों में सहमति हो चुकी है और बाकी हम जो अपने हमारे जो सहयोगी हैं उनके पास जाके डिस्कस करके आपको तुरंत सूचना कर देंगे कि ये हमने हड़ताल खोल दी है।
धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शराब पीकर आने वाले लोगों के लिए अब से नो एंट्री होगी। हर की पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली संस्था गंगा सभा ने हर की पौड़ी के प्रवेश द्वार पर एल्कोमीटर से चेकिंग शुरू कर दी है। अब से हर की पौड़ी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की एल्कोमीटर से जांच की जाएगी और जो भी व्यक्ति शराब के नशे में पाए जाएंगे उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से हर की पौड़ी पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने के कई मामले सामने आने के बाद गंगा सभा ने ये व्यवस्था बनाई है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि हर की पौड़ी विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, इसकी गरिमा बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है, हम सभी की जिम्मेदारी है। तो हर की पौड़ी पर अगर शराबी शराब पीकर पहुंचते हैं तो उनकी नो एंट्री होगी, साथ ही साथ उन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया जाएगा। एल्कोमीटर से चेकिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले तमाम ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें शराबी वहां जाकर हुड़दंग मचा रहे थे और ये मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला गंगा सभा की तरफ से लिया गया है कि जो भी व्यक्ति हर की पौड़ी पर शराब पीकर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एल्कोमीटर से चेकिंग की जा रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हर की पौड़ी जो है हमारी सनातनी परंपरा संस्कृति की आस्था का केंद्र है और हर की पौड़ी पर शराब का सेवन करके प्रवेश करना पूर्ण रूप से वर्जित है। हमें स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना है और मर्यादा को बनाए भी रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री गंगा सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर जो ब्रह्मकुंड के लिए जो बने हुए प्रवेश द्वार हैं उन पर हम गार्ड तैनात करेंगे और जो कि एल्कोमीटर के साथ तैनात रहेंगे और जो भी ऐसा संदिग्ध या जो भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि शराब का सेवन किया हुआ है उसकी प्रवेश द्वारों पर ही चेकिंग की जाएगी कि जिससे कि वो शराब का सेवन करके हर की पौड़ी में प्रवेश न कर पाए, हमारी स्थान की गरिमा किसी भी प्रकार भंग न हो। वहीं देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीते दो सालों से चारों धामों में चल रहे तीर्थ पुरोहितों का धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी केदारनाथ में जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने होने वाली महारैली को स्थगित कर दिया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि सीएम के आश्वासन के बावजूद तय समय तक मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड की भंग करने की मांग को लेकर चार धामों में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन दो साल से चल रहा है। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। इस बोर्ड के गठन से तीर्थ पुरोहितों के हक हकूक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देवस्थानम बोर्ड भंग होने तक यह आंदोलन जारी रहने की चेतावनी दे दी गई है। उनका कहना है कि सीएम का आश्वासन मिला है और इसी आश्वासन के बाद महारैली स्थगित कर दी गई है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे चल के ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर देवस्थानम बोर्ड भंग होने तक यह आंदोलन जारी रखने की बात यहां देवस्थानम बोर्ड के जो सदस्य हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमारे चारों धामों की महापंचायत की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई है और वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक का उन्होंने हम चारों धामों से समय मांगा है और 13 तारीख को हमारी एक महारैली होने वाली थी तो उनके कहना अनुसार हमने जो है इस रैली को स्थगित कर दिया है फिलहाल। और हमारा केदारनाथ में जो कार्मिक अनशन है वो हमारा चालू रहेगा। हमारी एक ही मांग है देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा तब तक हमारा कार्मिक अनशन जारी रहेगा और 30 तारीख के बाद भी यदि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं किया तो 30 तारीख के बाद हमारा जो है उग्र आंदोलन की चारों धामों में तैयारी है। जय श्री केदार। लक्सर के नव नियुक्त एसडीएम वैभव गुप्ता ने अवैध खनन पर पिछले 3 दिन से लगातार बड़ी कार्रवाई की है। वहीं लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता का कहना है कि लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी जिस पर कार्रवाई करते हुए पिछले 3 दिनों में करीब 11 वाहन सीज किए गए। उन्होंने कहा कि लक्सर में अवैध खनन के इस कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। अवैध खनन कर राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभियान लगातार जारी है। वही पिछले 3 दिन से लगातार हुई कार्रवाई से अवैध खनन का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप सा मचा हुआ है। तो लश्कर में एसटीएम की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। खनन का कारोबार करने वालों में हड़कंप देखा जा सकता है। तो पिछले कई दिनों से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक तमाम ऐसे खनन माफिया हैं जिनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। कई ट्रकों को बालू लदे जो ट्रक हैं उन्हें सीज कर दिया गया है।
आप बता दें कि लक्सर में लगातार खनन का जो कारोबार है वो फल फूल रहा था, राजस्व को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था, लेकिन एसडीएम की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अब जो मंसूबे हैं खनन माफियाओं के वो कामयाब होते नहीं नजर आ रहे हैं। वहीं खनन का कारोबार करने वालों में हड़कंप भी मचा हुआ है, डर भी लगातार देखा जा सकता है। क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इसमें लगातार पिछले 3 दिन से लगातार इसमें अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मतलब 3 दिन पहले करीब 5 वाहन सीज किए गए थे और कल भी 6 वाहन सीज किए गए हैं। उसके खिलाफ एमवी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और उसमें कुछ को कोर्ट में भी चलानी कार्रवाई करने के बाद वाहनों को पेश किया जाएगा। लक्सर में ग्राम भिकमपुर के व्यक्ति की तरफ से नौकरी दिलाने के नाम पर पड़ोसी गांव के एक युवती ने अपने साथ छेड़खानी करने और होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया। वहीं लश्कर कोतवाल प्रदीप चौहान ने युवती के परिजनों को कार्यवाही का भरोसा दिलाया था कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। उसी कड़ी में लक्सर पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि दुष्कर्म के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें संबंधित आरोपी से पूछताछ भी की जा रही है और उसमें कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो लक्सर का एक बुरा मामला जहां पर युवती ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। मुकदमा दर्ज हुआ है क्या के छेड़खानी का और प्रयास का, तो उस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। जो संबंधित आरोपी है उसको जो है पुलिस ने जो है पूछताछ को बुलाया है और उसमें जो पैदा नहीं कर रही है। बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है, तो वहीं बीजेपी यात्रा को फ्लॉप बता रही है। इधर कांग्रेस से विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस की एकजुटता को देखकर बौखला गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है ना कि गुट में है। बीजेपी के नेता अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में विकास कार्य पूरी तरह ठप कर रही है, महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, इसके लिए कांग्रेस का आना बहुत जरूरी है, तभी रुके हुए विकास कार्यों में गति मिल सकती है। तो कांग्रेस ने विपक्ष पर निशाना साधा है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश में सरकार काम कर रही है और प्रदेश की जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो लगातार बदल रहे हैं, इसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और ये हमला लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी खुद तो ना कुछ कर रही है डबल इंजन की सरकार होते हुए भी, और जो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है उस पर भी वो आवाज़ उठा रही है, उस पर भी बयानबाजी कर रही है। तो ऐसे में कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस के साथ ही जनता है। देखिए ये कोई गुटबाजी नहीं, सारे सियासी नेता एक साथ एकजुटता के साथ इस परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए लगे और इसमें इस परिवर्तन रैली में अपार जनसभा का जनता का सपोर्ट मिला। जगह जगह से निकले लोग जो मांग कर रहे थे, जो सरकार ने जो नाकामी की थी, जो इस सरकार ने झूठे वादे कर रहे थे उस झूठे खिलाफ के, उसमें सारी महिला सारे युवा सभी बुजुर्ग तक पूरे इस परिवर्तन रैली में साथ रहे। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, वो बौखला चुकी है, वो इस परिवर्तन रैली को देख करके वो अपने आप को इस लोग अपने अपने तरीके से बौखलाहट पे अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। रहा सवाल हमारे यहाँ के एक शीर्ष नेता है जो मंत्रिमंडल में है। नानकमत्ता में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले 4 स्मैक तस्करों को करीब 58 ग्राम स्मैक और 1,36,000 नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में इस्तेमाल की जा रही बाइक को भी सीज कर दिया है। बता दें कि नशे से मुक्ति कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के निर्देश पर ऊधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नानकमत्ता क्षेत्र में इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि नानकमत्ता में लगातार युवाओं को नशे के इस काले
अंधेरे में अगर कहें तो धकेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो युवा हैं वो नशे के आदि होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है, लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जाता है और नानकमत्ता में पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। 4 स्मैक तस्करों को 58 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1 लाख रुपए की नकदी और तमाम बाइक जो हैं वो भी बरामद कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि जो स्मैक इनके पास से बरामद हुई है उनकी कीमत लाखों में है और लगातार वो यहाँ के युवाओं को स्मैक पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का युवा लगातार नशे की जद में पहुँच रहा है। तो नानकमत्ता की तस्वीरें जहाँ पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। श्रीमान वरिष्ठ रिचर महोदय एजेंसी नगर के आदेशानुसार सीओ महोदय के पर्यवेक्षण में कल दोपहर में हमारी टीम को मुंबई ने सूचना दी कि एक राजू नाम का व्यक्ति अपने घर के पास स्मैक बेच रहा है। तो उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीम द्वारा गिद्धौर में बंदे के पास, गिद्धौर में डैम के पास एक घर है, इसके पास दबिश दी। तो उक्त राजू को अन्य 3 लड़कों के साथ करीब 60 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। मौके पर 2 गाड़ियां भी पकड़ी गई जिनको सीज किया गया और उस राजू के पास से स्मैक बेचकर जो उसने पैसे पे किए थे उस बैग में लगभग 1,36,000 रुपये वो भी जब्त किए गए। सरोवर नगरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा भक्तों के आस्था का केंद्र कैची धाम मंदिर के दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। बता दें कि यहां केंद्रीय मंत्री और नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट के विशेष प्रयासों और विधायक संजीव आर्य के अनुरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद प्रसिद्ध कैची धाम का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर यहाँ साल 1974 में बाबा नीम करोली की तरफ से मंदिर की स्थापना की गई। कैंची या कैंची जैसे किसी चीज से इसका कुछ लेना देना नहीं है। कैंची जैसे 2 मड़ों के कारण ये स्थान कैंची धाम से जाना जाने लगा। अपनी नैसर्गिक सुंदरता और खूबसूरत वादियों के बीच बसा ये मंदिर धीरे धीरे स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश के लोगों के भी आकर्षण और आस्था का केंद्र बन गया है। ऐसे में कैंची धाम मंदिर के दिन अब बदलने वाले हैं, इसकी सूरत बदलने जा रही है। वैसे तो खूबसूरत वादियों के बीच ये मंदिर बसा हुआ है, ऐसे में वहां पर अब आकर्षण का केंद्र ये मंदिर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कैंची धाम का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ है और यहां पर भक्तों को जाने में आसानी हो इस वजह से इसका सुंदरीकरण और जो रोड है उसे भी इससे जोड़ा जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल में पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर नीलेश आनंद भराने ने DIG कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि बेवजह वाहनों को इधर से उधर दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह जगह छोटी छोटी पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। पर्यटकों को ऐसी सुविधा दी जाएगी जिसमें उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। GPS के जरिए और शहर में पर्चे बांटकर सुविधा दिए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो नैनीताल में वाहनों को इधर उधर दौड़ाने वालों की अब खैर नहीं है। दरअसल जो लोग हैं वाहनों को इधर उधर दौड़ाते हैं जिसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ता है। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था अब की जाएगी और जो गाड़ियां पार्किंग में नहीं होगी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। कल हमारी टीम ने जो है जो लोकल थाना पुलिस की टीम है और ट्रैफिक टीम है, CPU टीम, सबके साथ जो है पूरे शहर का एक एक चप्पा चप्पा भ्रमण किया। तो जिसमें जो भी बिंदु हमारे सामने आए उसको लेकर धीरे धीरे हम लोग जो है कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ मिड टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म इस तरह से कुछ प्लानिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि नैनीताल शहर जो है ये एक बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा एक जो है वो पर्यटन का केंद्र है, हिल स्टेशन है और माननीय उच्च न्यायालय भी का केंद्र यहाँ पर है। तो हमको सारी बातों को जो है वो एक बेहतर सुविधा यहाँ देना है ताकि लोकल लोग भी काफ़ी, हमारी लोक संख्या यहाँ शहर की बढ़ी हुई है तो सभी बातों को हमको इसमें बैठाना है। तो कुछ तो शॉर्ट टर्म गोल हम लोग इमीडिएटली शुरू करेंगे जिसमें हम लोग पार्किंग स्थल जो है हमारे आइडेंटिफाई करके
कितनी वहाँ कैपेसिटी है और किस तरह से वो पूरी कैपेसिटी में भरे, और हम लोग कोशिश करें कि छोटे छोटे पार्किंग स्थल 5 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ और उसको निर्मित करें। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का अनोखे अंदाज में निर्माण कर मूर्ति को रूप दिया जाता है। इस कड़ी में श्री राम सेवक सभा के सदस्य डॉक्टर ललित तिवारी ने यह जानकारी दी कि स्थानीय लोगों की तरफ से मां की मूर्ति को बनाया जाता है, जिसमें कपास पाती का भी इस्तेमाल किया जाता है। देर रात तक मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को तैयार कर लिया जाएगा, इसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाएगी। यहां ये भी बता दें कि जो कदली वृक्ष लाया जाता है वो बिना फल वाला होता है, उस वृक्ष का चयन किया जाता है, उसी से मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाएगी और माता का जो भवन है वो भी बेहद ही खूबसूरत इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और पूरी तरह से सजकर तैयार हो गया है। नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंद्र प्रकाश शाह के नेतृत्व में गुरधन सिंह जी, हीरा सिंह शाही जी, कुंदन नेगी जी द्वारा इसको तैयार किया गया, और हमारे जो कलाकार हैं उस कलाकारों में रंग भरने का काम आरती सम्मल, मोनिका शाह, कल्याणी और मेगा बिस्त द्वारा किया जा रहा है। मां के भव्य रूप को तैयार करने में इस्तेमाल किया जाने वाला कदली, जिसे केले के नाम से जाना जाता है, और इसमें भगवान लक्ष्मी का वास माना गया है। लक्ष्मी के वास के साथ साथ ये भगवान बृहस्पति का पौधा है, और इसके अलावा बांस, जिसे पवित्र माना गया है, उसका भी इसके इसमें इस्तेमाल होता है। साथ ही कपास का इस्तेमाल किया जाता है, और कपास के साथ साथ पाती का भी इसमें इस्तेमाल होता है, जिसे हम भृंगराज कहते हैं। ऋषिकेश के कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने के लिए खुले मन से 2 साल पहले घोषणा कर चुके हैं, फिर भी अभी तक कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने का मामला फाइलों में ही धूल फांक रहा है। ऐसे में कृष्णा नगर कॉलोनी के निवासियों ने विधायक पर मदद नहीं करने का आरोप भी लगाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों का लगातार प्रदर्शन जारी है, आंदोलन लगातार लोग कर रहे हैं और आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। विधायक के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग लगातार लोगों द्वारा की जा रही है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 साल पहले खुले मन से इसे नगर निगम में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन अब तक ये मामला सिर्फ और सिर्फ फाइलों में ही बंद है। सर, पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि वो कॉलोनी ना तो ग्राम सभा में है ना शहरी क्षेत्र में है, हम लोग वहाँ वोट नहीं डाल पाते, कोई भी एक भी काम वहाँ का हो नहीं पाता है, और आप कोई कागज़ पत्र नहीं बन पाते। उसको सम्मिलित कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था तो बोर्ड से प्रस्ताव पास हो गया था, उसके बाद माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा भी कर दी थी, परंतु फिर भी फाइलें 3 साल से वहाँ लटकी हुई है सर, सचिवालय में। उसी के प्रयासरत हम लोग दिन रात लगे हुए हैं, और अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है, हमने बिल्कुल सोच लिया है कि अब हम लोग या तो हमारा काम होगा या फिर हम विरोध करेंगे। रुड़की के मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिए लगाई गई तीसरी आंख अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। लाखों रुपए कीमत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे महीनों से खराब पड़े हुए हैं। कस्बे में निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरास की वायर चोरी की भेंट चढ़ गई है, और सीसीटीवी कैमरे बंद होने से आए दिन कस्बे में भी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई हैं। नगर पालिका परिषद मंगलौर की तरफ से कस्बे की सुरक्षा के लिए 35 लाख रुपए की कीमत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उत्तराखंड का प्रदेश द्वार होने पर हाईवे पर भी नगर पालिका परिषद ने कैमरे लगाए, जिससे शहर और यातायात की भी निगरानी की जा सके, लेकिन मंगलौर कस्बे में महीनों से बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों के कारण कस्बे में कई आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सीसीटीवी बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कस्बे में आए दिन चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। तो करीब 35 लाख की लागत से ये सीसीटीवी कैमराज लगाए गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से ठप हैं। देखिए, कोई कैमरे तो हमारे सारे बिल्कुल चालू हालत में हैं, और कैमरे हमने उस समय भी अच्छे क्वालिटी के कैमरे लगाए थे नगर पालिका ने। उसमें समस्या ये आ रही है कि ना जाने कौन ऐसा असामाजिक आदमी है जो उन कैमरों की लाइनें काटता है। हमारे शहर के चारों तरफ जहाँ जहाँ कैमरे लगाए गए थे वहाँ वहाँ 3 बार वो वायर काट चुके हैं। इस बार उन्होंने बड़ी बड़ी संख्या में डैमेज किया है, और उसको दोबारा पुनः स्टार्ट कराने में थोड़ा समय लग गया है। मानता हूँ सुरक्षा की दृष्टि से जो कार्य किया गया था उसमें शायद कोई जानबूझकर कर रहा है, या कोई ऐसा असामाजिक तत्व है
जो नहीं चाहता कि ये जो तीसरी आंख है ये चालू रहे। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उठापटक शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज नेता दलबल में जुटे हुए हैं। ऐसे में सभी दल की पार्टियां रूठने को मनाने में जुटी हुई है, यानी कि जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी। हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और ऐसे में कांग्रेस के कई रूठे हुए दिग्गज नेता भी जल्द पार्टी में वापसी की तैयारी में है और जल्द ही बीजेपी में शामिल कई कांग्रेसी नेता वापस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस बार उत्तराखंड की जनता प्रदेश में बदलाव चाहती है। उत्तराखंड की जनता केवल रोजगार और विकास के लिए तत्पर है। ये ही विधायक भाजपा से कांग्रेस में आए थे, इनका भी तो जिक्र करिए। जब आप पिछली बार का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा से हमारे में आए थे और अब भी हमारी बहुत सारे लोगों से बात चल रही है और जल्दी ही हम आपको एक कांग्रेस में शामिल होते हुए ऐसे लोग दिखाएंगे जिनको आप लोग भी देखकर खुश होंगे। और रहा सवाल, कांग्रेस अपने आप में सक्षम भी है, मजबूत भी है और तैयार भी है। हम लोग जो ये चुनाव से पहले उथल पुथल का एक फेज़ चलता ही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।